नमस्कार, रेडियो ओडिशार संध्या खबर को स्वागत करुछि मु सागरिका। प्रथमे मुख्य खबर। स्तंभ को नै सांसद भर्तृहरिंक सफेई, आत्मसमीक्षा नै प्रश्नर उत्तर रे कहिले मु नुहे आउ जणे नेता कहिछन्ति। निर्वाचन रे ईवीएम रो व्यवहार को नै निर्वाचन आयोगक चैलेंज, विरोधी दल जून 3 रे ईवीएम को हैकिंग करि देखाओ। राज्य राजनीति रे मिश्रणर पर्व जारी, बीजेडी रे मिसिले बजरंग कर्मी, सेपटे बीजेपी रे मिसिले सीपीआई नेता। ठाकर करुछंती मेडिकल को टारगेट, आज राज्यर दुईटी मेडिकल सह तीनोटी स्थान रे रैंसम अटैक। तातिरु नाही निस्तार, तापमात्रा 45 डिग्री सह बलांगीर आज पलटिछि राज्यर सबुठारु उत्तप्त सहर। एथर संपूर्ण खबर। निज स्तंभरे विजु जनता दलर दुर्बलता को पर प्रकाश करी चर्चा रे रही आसिथिबा कटक सांसद भर्तृहरि महताब बीजेडी सरकारंकर चतुर्थ पाळीर तृतीय वर्ष पूर्तिर अव्यवहित पूर्वरु विभिन्न प्रसंगरे निजर मत रखिछन्ति। निजर स्तंभ नै महताब कहिछन्ति जे ओडिया भाषा को ठीक भाबे बुझिबा दरकार, न बुझि पारिले एहार अर्थ बदलि जाइथाय। ओडिया भाषा एते क्लिष्ट नुहे जे बुझिएब नाही। मात्र भर्तृहरिंक एही मंतव्य काहा पई उद्दिष्ट देला ताहा एपर्यंत बुझा पड़ू नाही। दलर आत्मसमीक्षा नै देइथिबा प्रश्नर उत्तर रे से कहिछन्ति जे मु नुहे आउ जणे नेता एपरि कहिछन्ति, मु दलर मजबूत पई चेष्टा करि आसिछि, दलकु अडुआरे पकाइबा मोर केबे भी उद्देश्य नुहे। तेबे पंचायत निर्वाचन रे सीट संख्या हार ह्रास पाइले दल बेस सुदृढ़ थिबा से कहिछन्ति। राष्ट्रपति निर्वाचन नै बीजेडी सुप्रीमोंक ठारु दल काहाकु समर्थन देबो ताकु नै आज स्थिति स्पष्ट होइ पारे बोली से प्रकाश करिछन्ति। निर्वाचन रे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बा ईवीएम रो व्यवहार कु नै राजनैतिक दल पक्षर करा जाइथिबा प्रश्नर जवाब देबाकु जाइ शनिवार मुख्य निर्वाचन आयोग डॉक्टर नसीम जैदी ईवीएम को हैकिंग करी देखाइबाकु विरोधी दल को चैलेंज करिछन्ती। निर्वाचन आयोग जून 3 रे ईवीएम को हैकिंग करी देखाइबाकु मध्य विरोधी दल को आह्वान देइछन्ती। प्रत्येक पार्टी को हैकिंग किंबा ईवीएम ट्रांसफरिंग करिबाकु 4 घंटार समय दिया जिवो। कौनसी पार्टी निजर 3 जन प्रतिनिधि को एही चैलेंज रे शामिल हेबापै पठाई पारिबे, तेबे एथिरे अनेक राजनीतिक पार्टी समय शामिल हेबार संभावना रहिछि। पार्टी को एहा मध्य स्वाधीनता दिया जाइछि जे से माने निकटरे शेष होइथिबा 5टी राज्यर निर्वाचन मध्यरु जे कौनसी 4टी ईवीएम मशीन मगाइ पारिबे। पार्टी को एहाकु प्रमाण करिबाकु पड़िबो जे ईवीएम टैंपरिंग करी निर्वाचन फलाफल को केमिति प्रभावित करा जाए, तेबे एने स्पष्ट सूचना देइछंती डॉक्टर नसीम जैदी। आसीबा परवर्ती खबर को। राज्य राजनीति रे चली मिश्रणर पर्व, आज शह शह बजरंग कर्मी बीजेडी रे जोग देइछंती, सेपटे बीजेपी रे जणे सीपीआई नेता जोग देइछंती। जहाँ सूचना मिले शासक दल बीजेडी रे सोरडा और बेलगुंडा अंचल प्राय 200 बजरंग कर्मी बीजेडी रे मिसिछंती। नवीन निवास रे मुख्यमंत्री का उपस्थिति रे एही कर्मी माने बीजेडी रे शामिल होइछंती। सेही परी सीपीआई नेता कृष्ण नायक आज बीजेपी रे मिसिछंती। कृष्ण गत निर्वाचन रे छत्रपुर रु विधायक प्रार्थी रहिथिले। चंपुआर पूर्वतन विधायक धनुर्जय सिंधु आज कांग्रेस रु इस्तफा देइछंती। राज्य रे तनाघन और सचेतनता सत्वे रैंसम भाइरस अटैक घटना धीरे धीरे बढ़िबारे लगी। प्रायतः गोटिए परे गोटिए डाक्तरखाना रे एही भाइरस निजर प्रभाव जाहिर करिबा परे एबे एहा व्यक्तिगत कंप्यूटर गुड़ी को निजर आक्रमण शिकार करुछि। आज बुर्ला मेडिकल केसिंगा डाक्तरखाना एक सरकारी औषध दुकान सह एक फोटो स्टूडियो रे रैंसम भाइरस अटैक होइथिबा नै सूचना मिलिछि। बुर्ला मेडिकल रो ब्लड बैंक रो सिकल सेल यूनिट रे एही भाइरस को ठाब करा जाइछि। सेहि परी
କେସିଙ୍ଗା ସରକାରୀ ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରର 2ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ସରଳକୂଳର ଏକ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରାନ୍ସମ୍ ଭାଇରସ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ମେଡିକାଲକୁ ଆଟାକ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହାକରମାନେ ମେଡିକାଲକୁ ବିଶେଷ କରି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାନ୍ସମ୍ ଭାଇରସ୍ ବରହମପୁର ସିଟି ମେଡିକାଲ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ପାରଦରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 45.7 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା 45.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ 44.7, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 44.5, ମାଲକାନଗିରିରେ 44.4, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 42.6, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 42.3 ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ 41.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ସଫେଇ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣେ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ଇଭିଏମ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜୁନ୍ 3ରେ ଇଭିଏମ୍କୁ ହ୍ୟାକିଂ କରି ଦେଖ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚାଲିଛି ମିଶ୍ରଣର ପର୍ବ, ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ବଜରଙ୍ଗ କର୍ମୀ, ସେପଟେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ସିପିଆଇ ନେତା। ହ୍ୟାକର କରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ, ଆଜି ରାଜ୍ୟର 2ଟି ମେଡିକାଲ ସହ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାନ୍ସମ୍ ଆଟାକ୍। ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର, ତାପମାତ୍ରା 45.7 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜି ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଶେଷ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।